Hello Pocky viewers, welcome to the new gameplay video of Pokemon Adventure Red Chapter. तो हाँ हाँ काफी दिनों बाद आया हूँ एग्जाम खत्म करके. तो मेरे जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो मतलब एग्जाम के पहले एक और एग्जाम होता है वो कंप्लीट हो गए और हाँ फाइनल एग्जाम अप्रैल में होंगे. तो जब भी होंगे वो मैं उस पर अलग से बता दूंगा वीडियो में. लेकिन अभी के लिए तो हम इस आइलैंड में फंस चुके हैं और पिछली बार हमने ऑरेंज आइलैंड का जो अपना पिंकन आइलैंड वाला था वो कंप्लीट कर लिया था और क्रिस्टल ऑनिक्स वाला भी. तो जिसने भी अभी तक वो वाले एपिसोड नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन प्रेस हुआ होगा वहाँ से ज़रूर देख लेना. तो बिना किसी देरी के चलो भाई ये मतलब गेम प्ले शुरू करते हैं. पोकेमॉन बहुत देर से ठीक नहीं कराया हूँ. हो चलो तो मुझे लगता है हमें जाना चाहिए वैलेंसिया आइलैंड क्योंकि इस तरफ से कोई रास्ता नहीं है. तो चलो भाई हम आ चुके हैं वैलेंसिया आइलैंड और वैलेंसिया आइलैंड के बाद यहाँ पर मतलब सर्व कर सकते हैं. मैं यही सोच रहा था कि हमें ये अटैक तो अभी मिला नहीं है. इस अटैक का नाम शायद वर्लपूल है ना. लेट्स चेक अबाउट. ओ हमारे पास नहीं है ये अटैक, हमारे पास सिर्फ डाइव है. इसके लिए मुझे लगता है प्रोफेसर आईवी से ना बात करनी पड़ती है. चलो हम प्रोफेसर आईवी के यहाँ चलते हैं. यस अभी रिप्ले यूज होता रहेगा तो अच्छी बात है. वो ये रही प्रोफेसर आईवी है. प्रोफेसर आईवी ओ प्रोफेसर आईवी कुछ कह नहीं रहे. हेलो लेडी व्हाट्सएप. ओहो ये तो मेगा एवोल्यूशन के बारे में बता रही भाई. भाई हमें मेगा एवोल्यूशन कहाँ मिलने वाला है. माइन कोड पावर मेगा स्टोन यू ट्राइंग रिसोर्सेस है. भाई कहाँ है मेगा एवोल्यूशन, क्या तुम दे रहे हो मेगा एवोल्यूशन के कुछ. नो मैं मेगा वाला नहीं रखती हूँ. ओके तो मेगा एवोल्यूशन की रिसर्च कर रहे हैं. तो वैसे मुझे लगता हो इस गेम में होगा मेगा एवोल्यूशन. तो हमें यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है. हाँ प्रोफेसर आईवी का जो यहाँ पर एक आइलैंड था क्या यहाँ से कोई रास्ता था. चलो चेक कर लेते हैं आगे. तो हाँ मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है और हमें वर्ल्ड बोल. तो कमेंट जरूर करना दोस्तों कमेंट. चलो भाई थोड़ा कैंटो रीजन वापस घूम के आते हैं क्योंकि शायद हो सकता है कैंटो रीजन में ही हमारा कुछ काम हो. चलो है चलो कैंटो रीजन. वाह जोटो भी है क्या. ओ देखते हैं जोटो हॉइन भी है यार. तो अभी तो हम फिलहाल कैंटो ही आएंगे दोबारा. तो सिर्फ मतलब जो ये उड़ने वाली सिप है ये तो यही है. ओके तो ओ भाई यहाँ पर रास्ता भी है. क्या हम यहाँ सर्व कर सकते हैं. नहीं सर्व ही नहीं कर सकते. यहाँ तो कर सकते हैं. चलो इसको छोड़ो. तो मुझे लगता है हमें जाना चाहिए प्रोफेसर ओक के पास. हो सकता है प्रोफेसर ओक कुछ ना कुछ हमें मिले यहाँ से. ये तो हमारा घर है प्रोफेसर ओक. प्रोफेसर ओक की लैब. ओहो वो तो रुको भाई ये तो लैब ही है. मेरा घर तो नहीं है ये. ये रहा प्रोफेसर ओक. हाय प्रोफेसर. हे साहिल नोबडी यू कैन दिस व्हाट. ओह डू यू रिमेंबर फर्स्ट मीट. ओहो चलो भाई हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं प्रोफेसर ओक. जब हम पहली बार प्रोफेसर से मिले थे तो हम बस गलती से पोकेमॉन भाग गए थे हमारी वजह से. हो तुमने सारे पोकेमॉन भगा दिए. ओ प्रोफेसर वो बात सुन के तो मुझे हंसी भी आ गई. ओ तुम रॉट नंबर वन पे नहीं जाना चाहोगे. रिसीव्ड बोनस चैप्टर रोड टू सेंड रूम. तो चलो भाई प्रोफेसर ने हमें काम दिया है रोड नंबर वन पे जाना है. ओके मैंने बस सोचा था यहाँ तो प्रोफेसर वो सच में हमें काम दिया. ओ भाई ये क्या है मौसम एकदम से बदल गया. तो रोड नंबर वन शायद इसी तरफ हो. अरे यार ऊपर रोड मतलब कुछ लिख के आना चाहिए ना जैसे रोड नंबर वन. पिछली बार की तरह तो नहीं है सेम जगह. चलो चल के देखते हैं. भाई यहाँ तो कुछ नहीं था इतना मतलब पूरा घुमाए. रोड नंबर वन है किधर. मैप भी नहीं है मेरे पास मैप. वैसे रोड नंबर वन तो उस तरफ होना चाहिए ना सामने. मैं भी तो किधर आ गया. चलो चलते हैं दोस्तों. वाह रोड नंबर वन आ गए हैं तो यहीं कहीं कुछ हो सकता है. कहीं तुम तो नहीं हो वो ट्रेनर. नहीं जस्ट फाइंड इट. ओ भाई ये जिगली पप वही है ना रिमेम्बरिंग. ओ भाई हमें सुला दिया. ओ जिगली पप गायब. व्हाट्स प्रोफेसर ओ कम आ गया भाई.
रॉट नंबर थ्री में जाओ तो प्रोफेसर गोल बच रहा है, जान सकते हैं। चलो प्रोफेसर की मदद कर देते हैं अब इस। अरे मैं किसी के घर में नहीं, स्कूल में चला गया था। ओ यहाँ पास से तो जिम है, जिम में क्या करेंगे हम, पहले ही से लीग जी के बैठे हैं। ये रहा रॉट नंबर टू, रॉट नंबर थ्री हम शॉर्टकट ले जा सकते हैं क्या? वैसे मुझे पता है इससे तो हम फ्यूटर सिटी पहुँच जाएंगे ना। चलो वो कट करके यहाँ देखते हैं क्या है। ओ वाह यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, शायद यहाँ पर एक पॉकी बॉल थी जो हमने पहले ही ले ली होगी। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आप पहले वाले गेम पे देखने तो देख सकते हैं। तो रॉट नंबर थ्री हो सकता है बरीलियन सिटी हो, क्योंकि हम फालतू मतलब फ्यूटर सिटी चले गए थे। ओके ओहो जिगली पाप, वाह यहाँ पर एक बोट लगा है। मुझे रोशनी तो कम दिख रही है। ओ एक कैटपी क्या? ओ चलो यहाँ से कट करने का। तो रॉट नंबर थ्री किधर है यार? मुझे शुरू से ही यहीं आना चाहिए था। ओ नो, और यहाँ पर हमें छोटे छोटे पोकेमोन परेशान कर रहे हैं। ओ भाई हम इतना घूम आए, लगता है रॉट नंबर थ्री वहीं ना हो, प्योटर सिटी के आएंगे हम फिर से इतना घूमें, क्योंकि जो पूरा है मतलब ये फॉरेस्ट ही लगता होगा। ओहो यहाँ क्या है यार, यहाँ कट करने का है क्या? मैं ओहो अच्छा यहाँ कैंगस खान का घर है। चलो कैंगस खान ने हमें शॉर्टकट रास्ता दिया है, यहीं से चले जाते हैं। ओह वैसे शॉर्टकट तो ज़्यादा यहाँ से भी लगता है, यहाँ पर भी पानी है। वाह ओके ओहो मैं वापस उसी तरफ नहीं जा रहा। ओह यस मुझे लगता है कि मैं वापस जा रहा था। अच्छा वक्त मुझे ध्यान मतलब याद आ गया कि मैं इस तरफ से आया था। ओके तो हम वापस प्यूटर सिटी आ चुके हैं। रॉट नंबर थ्री आगे हो सकती है, क्योंकि प्रोफेसर एक रॉड बाय रॉड पोकेमोन को भेज रहे हैं तो वो सीधे रास्ते में जाएंगे। ओहो ये कौन सा रॉड नंबर है? यहाँ पर भी कुछ नहीं लिख के आया मुझे। हाँ यार वहाँ क्या कहते हैं पोकेमोन सेंटर में जो पीसी क्या कहते हैं उसे मैप रहता है ना, क्या हमें रॉड नंबर थ्री है यहाँ? रॉड नंबर चार आगे है तो थ्री पीछे ही होना चाहिए। मैप भी नहीं देख सकते ना हम, ये देखो हम लोग अंधे हैं या पढ़ते नहीं बनता रहे से। तो और मैप हमारे पास है क्या? चलो देखते हैं। नो नेवर मैप ही नहीं है इसमें। अरे मैप देखने तो मुझे नहीं है हमारे पास मैप ही। तो रॉट नंबर थ्री, अरे यार मैं तो गेम में रॉट नंबर थ्री ही ढूंढ के बैठ जाऊंगा तो गेम कहाँ से खेल पाऊंगा। चलो इस तरफ देखते हैं यहाँ से रॉट नंबर कौन सा लगता है। वो भाई रॉट नंबर थ्री तो यहीं लग जाता है। इसके तो हमें बस एक पगली से जिगली पप को ढूंढना है, तो जिसे भी जिगली पप दिखे तो कहना जिगली पप। वैसे ये हम इस रास्ते में आ गए हैं। ओ यहाँ से रॉट फोर आ गया है। हे जिगली पप व्हाट्स अप, मतलब व्हाट्स गोइंग। ओहो जिगली पप भी ना हमें कितना भगाएगी, और इसकी वजह से जो पोकेमोन परेशान कर रहे हैं वो अलग। ओहो मैंने एक पॉकी बॉल मिस कर दी। वैसे वो पॉकी बॉल में हो क्या सकता था मुझे यही देखना है। ओ मैं मुझे लगता है मैं इससे बैटल कर चुका हूँ। यस यहाँ जीतते भी हैं ना मैंने सबसे ना यार। जिगली पप मतलब किधर गई है? हम रॉट नंबर ओहो ये रही जिगली पप। जिगली पप नॉट गेटिंग फॉर जिगली पप। ओ चलो जिगली पप बैटल। अरे वाह जिगली पप का लेवल तो ज़्यादा हो गया, लेवल 40। जब पिछली बार हम शुरू में बैटल हुए थे तो 5-5 लेवल के थे, इसने 10-10 लेवल के। ओ जिगली पप तो एक बार में हार गई। ओ प्रोफेसर वो कहाँ गया? अब शुक्रिया साहिल तुमने जिगली पप को बचा दिया। अरे वाह ओके तो जिगली पप नहीं जा रही, तो जिगली पप किसके साथ जाएगी? अरे वाह जिगली पप भाग गई प्रोफेसर, फिर से उसे भागने दो, वो भगौड़ी जिगली पप है। एंड ऑफ रीड बोनस चैप्टर। तो दोस्तों हम की दूर आए कम से कम एक कुछ तो हुआ। और हाँ वो पॉकी बॉल क्यों छोड़ दें, चलो उसे ले ही चलते हैं। टीटी क्या है इसमें? वो आपको टैन, ये भी ज़रूरत की चीज़ है वो टैन, इससे मेरे पोकेमोन ठीक हो जाएंगे जल्दी। चलो चलते हैं अब हम प्रोफेसर से दोबारा पूछते हैं क्या करना होगा। टाउन
तो ये रहे प्रोफेसर, हेलो प्रोफेसर। ओ प्रोफेसर के पास कोई काम नहीं है, चलो ये तो वही जगह है जहाँ पर हमें पहली बार वॉलीबॉल मिला था। यहाँ के तो बच्चे पहले पहली ताजा हो गई। ओह हाँ, ये सारे घर को चेकआउट करते हैं, ये घर के बाहर ही खड़ी रहते हैं। चलो हम आज मतलब इसी जगह के घर पूरे चेकआउट कर लेते हैं। ओह ये किसका घर है? अरे ये तो हमारा ही घर है। हेलो, वाह हमारे पोकेमॉन ठीक हो चुके हैं और फिर से ठीक होंगे। यस, तो मैंने गलती से दो बार टिक खा ली। वाह हमारा रूम वैसे का वैसा है, चलो वापस चलते हैं यहाँ से। ओह ये रहा एक और घर, ये घर। ओह ये तो मतलब उसका घर है, क्या कहते हैं, ब्लू नहीं ग्रीन का घर है। यहाँ पोस्टर है ना, फॉक्स रैश। एक और घर है यहाँ पे, ये एक्ला डियाला डियाला। अच्छा तो ये ऐस का घर है, अरे वहाँ ऐस यहीं रहता है, और कहीं जाना है। और यहाँ किसी का घर बन रहा है, पत्थर बज रखे हैं। बर्ड टाइम इज फ्लाइंग टाइप, वाह ओके। यहाँ हमने सभी घर चेक कर लिए हैं, कुछ नहीं है। और अब हम चल रहे हैं ओके, तो हम इतना चल के नहीं जाएंगे, हम जाते हैं सीधे टेलीपोर्ट होके। चलो ब्रेडियन सिटी घूम के आते हैं दोस्तों, बहुत दिन से मतलब ब्रेडियन सिटी घूमे नहीं है। वाह ब्रेडियन सिटी इज सच अमेजिंग जगह है। वो ब्रेडियन सिटी से मुझे एक जगह याद आई, क्या कहते हैं कि हम पोकेमॉन लीग जा रहे हैं। वाह वैसे हम पोकेमॉन लीग जा ही क्यों रहे हैं, वैसे मैं तो सोच रहा था थोड़ा घूम लिया जाए। हाँ हाँ यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ जा सकते हैं क्या, इस तरफ से ना रास्ता है, चलो देखते हैं। ओ हाँ वहाँ पर एक बुढ़ा जो लेटा रहता था एक रास्ते में, वो जगह से वो हटा कि नहीं, चलो देखते हैं। उसकी रास्ता शायद यहीं से है, पर यहाँ से है वो, यहाँ से तो पोकेमॉन चैन रहता है, वो शायद फ्यूटल सिटी में है। हाँ याद आ गया, चलो चलते हैं ब्रेडियन नहीं फ्यूटल सिटी। यस हम आ चुके हैं फ्यूटल सिटी। ओ हाँ यहाँ प्रोफेसर मतलब ब्रॉक की जिम है, तो भाई ब्रॉक से चलो मिल के आते हैं, क्या कहते हैं ब्रॉक। हाय ब्रॉक व्हाट्स अप, रेडी टू रीमैच? नहीं अरे वाह रीमैच भी करते हैं ब्रॉक। ओ भाई ब्रॉक तुम हमें मारना चाहते हो क्या, 255 लेवल के जियो रूट्स। अरे हम एक भी पोकेमॉन को इसके हरा दे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। वैसे पोकेमॉन 100 से भी ज़्यादा होते हैं, मुझे पता नहीं था, शायद इस गेम में ऐसा हो सकता है, ये गेम ही मतलब फैन मेड है तो कुछ भी हो सकता है। ओ भाई नो मतलब नो स्पेस, नो स्पेस, लो भाई नो स्पेस की वजह से ये भी आ रहे हैं। ओहो पिकाचू भी कुछ नहीं कर पाएगा, अरे वाह पिकाचू थंडर बोल्ट काम कर गया। ओ भाई अरे सच में स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, चलो पैरालाइज हो चुका है ना, तो फिर हम बड़े अटैक कराते हैं, शायद एक बार में पिकाचू को मस्त लेवल मिल जाए। ओहो स्टोन एज, अरे भाई गया हमारा पिकाचू। ओके नाउ बॉडी स्लैम वाटरफॉल, मतलब ओह बॉडी स्लैम से भी हार गया, कोई बात नहीं हमारा नारुतो है ना, नारुतो नारुतो इसे हरा दो। ओ भाई नारुतो तुमने भी अच्छा अटैक किया, ये लॉ कौन कर रहा है, ये नहीं कि एक अटैक से हरा दे नारुतो को भी, क्योंकि हम इससे नहीं जीत पाएंगे और हम री स्टार्ट भी नहीं कर सकते, बहुत दूर पहुँच जाएंगे। चलो हार गए, अब हमारा एक पोकेमॉन बचा है वो है एरोडैक्टाइल। अरे वाह हमारे कुछ पोकेमॉन अटैक कर पा रहे हैं, ये सच में अच्छी बात है, मतलब इतने बड़े बड़े पोकेमॉन के सामने मतलब लेवल से बड़े, क्योंकि मैं तो एरोडैक्टाइल मुझे बड़ा लग रहा। ओहो जल्दी हराओ आप, मैं यार एरोडैक्टाइल कहीं इसको ना हरा दिया यार, तो पावर कर रहा। चलो इस पर फ्लेम तो मत करते हैं, थोड़ा असर तो होगा, कुछ नहीं है। क्रंच, वैसे क्रंच से मुझे एक लगती गलतियों की याद आ गई, वो भी अब अच्छी वीडियो करने लगे, मतलब अच्छी से मतलब है जल्दी जल्दी,
पहले वो 1 महीने लगा लेते थे, 1-2 महीने। तो भाई हम कहाँ हैं? अरे वाह, हम कैंटो रीजन में हैं। ओके, तो आज तो काफ़ी मज़ा आ गई, मतलब थोड़ा सा ही सफ़र किए हैं, पर अगले पार्ट में थोड़ा और रिसर्च करके मैं सफ़र करूँगा। तो मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।